प्रश्न तीन करेंगे। 8 मीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते का एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिए मार्जिन छोड़ा गया। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या बोला गया है कि एक जो है क्या है, एक गत्ते का, गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग। कितना मीटर चौड़ा गत्ता है वो? 8 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर गत्ता वो चौड़ा है। और उसके ऊपर क्या बनाई गई है? एक पेंटिंग बनाई गई। यानी कि गत्ते की पहले हम देख लेते हैं, गत्ता जो है इस तरीके से है, ठीक है। ये इसकी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो है इसकी वो चौड़ाई हो गई इस गत्ते की। अब इसमें जो चित्र बनाया गया है, जो पेंटिंग की गई है, वो इस तरीके से कि हर जगह से 1.5 जो है वो मार्जिन छोड़ा गया चारों साइड से। यानी कि इतना जो है मार्जिन छोड़ा गया है, उसके बाद अंदर जो है एक पेंटिंग बनाई गई है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मार्जिन छोड़ा गया है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। जैसे हमने प्रश्न 1 और 2 में किया था वैसे ही करेंगे इसके अंदर भी। ये जो हमारा बाहर का है ए गत्ते गत्ता जो हमारा है ABCD है, जिसकी लंबाई AB 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई BC 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है AB कितना है? 8 सेंटीमीटर। अंदर जो चित्र बनाया गया है PQRS, इसका ये नाम हो गया PQRS। अब अंदर PQ की लंबाई कितनी है और QR की कितनी है? PQ की लंबाई दोनों साइड से जितनी AB की लंबाई है, यहां से भी 1.5 माइनस कर देंगे यहां से भी, तो हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो PS है हमारा, इस जो PS है इसकी जो चौड़ाई है, वहां से भी हम दोनों 1.5 सेंटीमीटर इसको माइनस कर देंगे। अंदर की लंबाई 5 सेंटीमीटर आ जाएगी और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही बाहर की लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ABCD का भी और PQRS का भी, और दोनों को माइनस कर देंगे। तो ABCD का क्या है? 8 × 5 लंबाई गुणा चौड़ाई, और PQRS का भी लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका आ गया 40, इसका आ गया 10। अब 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो 30 सेंटीमीटर जो इसका मार्जिन था, जो इसका हाशिए था, उसका क्षेत्रफल कितना निकल आया? इसका निकल आया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम करेंगे प्रश्न 4। 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। यहाँ पे कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है और चारों ओर बाहर जो दे रखा है 2.25 मीटर चौड़ा बरामदा बनाया गया है। ज्ञात कीजिए, बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है और 200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श का सीमेंट कराने का व्यय है। यानी कि जितना भी हमारा बरामदे का क्षेत्रफल निकलेगा उसमें से हमें उसको हमने 200 से गुणा कर देना। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ सबसे पहले बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद हम उसको 200 से गुणा कर देंगे। और बरामदे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रश्न 1, 2, 3 के जैसे ही हमें करना है। कमरे के क्षेत्रफल में से हमें इसको जो है वो माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहले हम एक कमरा बना लेते हैं जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 5.5 मीटर। यानी कि जो इसकी लंबाई है ये है 5.5 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें? चौड़ाई दे रखी है हमें इसकी 4 मीटर। यानी कि चौड़ाई है इसकी 4 और ये है इसका 5.5 मीटर इसकी लंबाई है। अब इसकी बाहर जो है 2.5 सेंटीमीटर, इतना लगा लो कि 2.5 मीटर जो है बाहर एक चौड़ा क्या बना हुआ है? 4 दीवारी लगा लो इसकी, ये एक बना हुआ है इसका बरामदा, ठीक है। ये इसका बरामदा बना हुआ है, इस बरामदे का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। इसको हम ABCD नाम दे देते हैं और बाहर वाले को हम दे देते हैं PQRS। तो PQRS में से माइनस कर देंगे हम कमरे को, ABCD को। बरामदे में से जो बाहर का जो क्षेत्रफल है इसमें से हम कमरे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा बरामदे का क्षेत्रफल निकल आया। बिल्कुल वैसे ही करना जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। माना ABCD एक कमरा है और माना PQRS बाहर की बरामदे की 4 दीवारी है। ये बाहर के बरामदे की 4 दीवारी है और हमें बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं कि AB की जो लंबाई है वो 5.5 सेंटीमीटर दे रखी है और AD हमें 4 दे रखी है। तो हमें जो बाहर का PQ है उसकी निकालनी है और जो बाहर का PQR
ये आर है, ये एस है, और जो बाहर का पी क्यू है उसकी निकालनी है, और बाहर का जो क्यू आर है उसकी निकालनी है। तो दोनों में हम क्या करेंगे, इसमें भी जो ए बी के अंदर 2.5 यहां से जोड़ेंगे, 2.5 यहां से जोड़ेंगे, ऐसे ही क्यू आर में भी 2.5 यहां से जोड़ेंगे, 2.5 यहां से जोड़ेंगे। तो हमने पी क्यू में ऐसे ही किया, 2.25 यहां से जोड़ दिया, 2.25 यहां से जोड़ दिया, तो कितना हो गया ये 10 हो गया। अगर हम तीनों को जमा करते हैं यहाँ पे 5.5, 2.25, 2.25, तो अगर हम जमा करते तो क्या आता है 10, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, क्योंकि एक ऊपर आया था कैरी, फिर यहाँ पर आ गया 10, 5, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये पॉइंट आ गया इधर। तो पॉइंट से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या बन गया ये सिर्फ 10 मीटर। ऐसे ही यहाँ पे प्लस किया तो 8.5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दोनों की लंबाई चौड़ाई निकल आई। अब बरामदे का क्षेत्रफल निकालने के लिए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का लंबाई गुणा चौड़ाई और ए बी सी डी का भी लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को गुणा कर लेंगे, ये इसको गुणा करके आ गया, ये इसको गुणा करके आ गया, दोनों को माइनस कर देंगे तो 73 मीटर स्क्वायर जो है वो बरामदे का क्षेत्रफल निकल आया। अब 200 रुपये प्रति मीटर की दर से बरामदे के फर्श का सीमेंट करवाना करवाने का व्यय है, तो जितना भी क्षेत्रफल निकला उसको हम 200 से गुणा कर देंगे, तो कितना खर्चा आएगा 12,600 रुपये जो है वो बरामदे के फर्श बनाने का खर्चा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रश्न 1, 2, 3 और 4 अभी तक हमने कर लिए हैं, और ये चारों प्रश्न लगभग जो है वो एक जैसे ही हैं, ठीक है। अब हम आगे करेंगे प्रश्न 5।